जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन थोर। आप देख रहे हैं द टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से 4 नया अपडेट आ चुका है, तो आज मैं आपको विस्तार से आसान भाषा में हिंदी में समझाने वाला हूं कि 4 अपडेट क्या आए हैं और इसमें आपको फायदा क्या है। जस्ट वीडियो पे बने रहे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए, इस तरह लेटेस्ट वीडियो आगे तक देखने के लिए। तो चलिए बताते हैं एक एक करके कि 4 अपडेट क्या आए हैं और इसमें आपको क्या फायदा है। जो 4 अपडेट यूट्यूब की तरफ से आए हैं और उसमें जो फर्स्ट अपडेट है वो है मोबाइल एनालिटिक्स ऑप्शन के लेकर। तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर लैपटॉप में आपको ऐसा कुछ एनालिटिक्स मिलता था ताकि आप आसानी से जो वीडियो परफॉर्मेंस है लास्ट 28 डेज का, लास्ट वीक का, आप आसानी से देख सकते थे। तो अभी क्या होगा, आपको मोबाइल पर भी सेम टू सेम फीचर्स, आपको एनालिटिक्स कुछ इस तरह आपको मिल जाएगा और मोबाइल से भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह एनालिटिक्स। तो यह था फर्स्ट अपडेट। और जो सेकेंड अपडेट है वो है एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। पहले YouTube ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ इस तरह वीडियो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मोबाइल एनालिटिक्स ऑप्शन पे, तो अभी इसको धीरे धीरे रोल आउट कर दिया गया और सबको मोबाइल एनालिटिक्स पे इस तरह वीडियो परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह था सेकंड अपडेट। और जो थर्ड अपडेट आए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो थर्ड अपडेट यूट्यूब की तरफ से आए हैं वो है रीयूज डिटेल्स। तो रीयूज डिटेल्स क्या है, आप जब वीडियो अपलोड करने जाएंगे उस समय आपको रीयूज डिटेल्स करके कुछ इस तरह आपको एक अलग से बटन मिल जाएगा। ठीक है, और उसी बटन से क्लिक करके क्या होगा, उसी बटन में जब आप क्लिक कर देंगे तो प्रीवियस वीडियो यानी जो वीडियो आप डाल रहे हैं और उससे पहले जो वीडियो आपने डाली थी उसी वीडियो पर जैसे आपने टाइटल लगाए थे, जैसे डिस्क्रिप्शन लगाए थे, जैसे आपने वीडियो लैंग्वेज चूज किए थे, जैसे शॉर्ट सैंपलिंग किए थे, जैसे आपने कैटेगरी चूज किए थे, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा जो वीडियो आप डाल रहे हैं, जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी वीडियो पर। आपको अलग से टाइटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो कैटेगरी है आपको सेलेक्ट करने नहीं पड़ेगी और आपको जो शॉर्ट सैंपलिंग है वो भी आपको वीडियो लैंग्वेज, ऐसा कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आपको फायदा है कि आपको समय बच जाएगा। तो यह था थर्ड अपडेट जो काफी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और जो फोर्थ अपडेट यूट्यूब की तरफ से आए हैं उसमें मोनेटाइजेशन सेक्शन पर ऐसा कुछ टैब ऐड कर दिया जाएगा ताकि उसी टैब पर आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं कि आपका कौन सा वीडियो पर मेंबर्स ज़्यादा आए हैं और कौन सा वीडियो पर मेंबर्स आपको भाग गया है। ताकि आपको इसमें फायदा है कि जिस वीडियो पर आपको मेंबर्स ज़्यादा जुड़ चुका है उस तरह अगर वीडियो आप बनाएं तो आपका चैनल का जो मेंबर्स है इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये था चारों अपडेट। तो ये चारों अपडेट में से कौन सा अपडेट आपको बेटर लगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि जो चारों अपडेट यूट्यूब से आए थे मैं आपको आसान भाषा में आपको समझा पाया। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हो इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पे प्रेस करके रखिएगा। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।